बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में मेहमानों का हुजूम, 141 अरकान असम्बली, 21 सेनेटर्स, दुबई से भी मेहमान आए मगर PDM वाले ना आए। बिलावल हाउस में मेहमानों के लिए इस्तकबालिया, शानदार डिनर का एहतमाम, मिठाई भी दी गई। शादी में शरीक मेहमानों ने जोड़े के लिबास की खूब तारीफ की। माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी और दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी। दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारी जंग हुकूमत से है, एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है। एस्टेब्लिशमेंट माने के मुल्क पर मुसल्लत मुसीबत के जिम्मेदार वही हैं। हमारी जंग हुकूमत के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। मैं ये तो कह सकता हूँ जिस वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ? ये तसव्वुर ही नहीं है यहाँ। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, शाह महमूद कुरैशी का तबसरा, बोले ये सिंध हुकूमत छोड़ेंगे ना ही इस्तीफा देंगे, इनका मुनासिब वक्त 2023 होगा। पाकिस्तान का 1,70,00,000 कोरोना वैक्सीन का मुआहदा, वफाकी वज़ीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी, कहते हैं मार्च तक 60,00,000 वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएंगी, जून तक 1,70,00,000 डोजेज मिल जाएंगी, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहली तरजीह है कि हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि वो अगर महफूज रहेंगे तो फिर उन्होंने हम सबको महफूज रखना है। और रहीम यार खान में लड़के वालों के साथ बड़ा धोखा हो गया, रिश्ता 18 साल लड़की का दिखाया, शादी के वक्त 40 साल औरत का हाथ थमा दिया, दुल्हन को देखकर दुल्हे की मां बेहोश, अस्पताल पहुंचाया तो पीछे से दुल्हन ने काम दिखाया, 5 तोले सोना और कैश लेकर फरार हो गई।